सॉन्ग खत्म होते ही माही ने अपना हाथ रणवीर के हाथों से छुड़ाया और फ्लोर से नीचे आ गई। रणवीर को माही का ऐसे खुद से दूर जाना अच्छा नहीं लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां खिस गई। वहां कोई और भी था जो डेविल स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा था। माही पार्टी हॉल से निकलकर बाहर गार्डन की तरफ आ गई। उसे अब अंदर घुटन महसूस हो रही थी। रणवीर भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने एक वेटर ड्रिंक लेकर आ गया। रणवीर ने एक ग्लास वाइन उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। उसने ग्लास वापस ट्रे पर रखा और आगे बढ़ गया। वेदांत ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि रणवीर बाहर जा पाता, वेदांत ने उसकी बाह पकड़ उसे रोक लिया। रणवीर ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो वेदांत। रणवीर ने पार्टी में आने से पहले भी काफी ड्रिंक कर रखी थी, अब उस पर नशे की खुमारी होने लगी थी। वेदांत ने उसकी बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? आज माही भी उदास थी और तुम्हारा बिहेवियर भी काफी अजीब सा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? रणवीर का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने झटके से अपनी बाह वेदांत की पकड़ से छुड़ाई और दांत पीसते हुए कहा, ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वेदांत अपनी आंखें छोटी किए हुए मन ही मन बोला, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? माही गार्डन में आकर एक पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। माही जो अभी तक अपने आप को काफी हद तक कंट्रोल कर रही थी, वो अब जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज कोई सुन न सके। रणवीर माही को ढूंढते हुए बाहर आया तो उसे माही कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास में नजर आई। इस वक्त माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, जिस वजह से माही रणवीर को देख नहीं पाई। रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। माही के करीब पहुंचकर रणवीर ने उसे झटके से अपने सामने किया। रणवीर के ऐसे करने से माही कुछ पलों के लिए घबरा सी गई, लेकिन जब उसने अपने सामने रणवीर को देखा तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। रणवीर ने जब माही की लाल सुर्ख आंखों को देखा जो रोने और गुस्से से लाल हो गई थी, तो उसका दिल पिघलने लगा। पर माही भी अब रणवीर से लड़ाई करने के पूरे मूड में थी। उसने रणवीर को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर दो कदम पीछे चला गया। माही अब दोबारा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। रणवीर ने एक बार फिर माही के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो माही ने उसका हाथ झटक दिया। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके माही को देखा जो अभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। रणवीर ने पीछे से उसके कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसकी नेक को किस करने लगा। माही उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर की पकड़ उसके कमर पर पहले से भी ज्यादा कस गई। जब माही ने महसूस किया कि वो खुद को रणवीर की पकड़ से आजाद नहीं करवा सकती, तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया। पर वो गुस्से और रोने की वजह से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया। माही उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर की पकड़ उसकी कमर पर पहले से भी ज्यादा कस गई। जब माही ने महसूस किया कि वो खुद को रणवीर की पकड़ से आजाद नहीं करवा सकती, तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया। पर वो गुस्से और रोने की वजह से कांप रही थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया। रणवीर आंखें बंद किए हुए माही की नेक पर अपने होंठ रखकर खड़ा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए माही की बॉडी की स्मेल को फील कर रहा था। रणवीर की गर्म सांसें माही को अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी मुट्ठियां कस गई। रणवीर जो अभी तक माही की खुशबू में खोया हुआ था, उसकी पकड़ कुछ देर के लिए ढीली पड़ गई। जब माही को ये महसूस हुआ तो उसने एक बार फिर रणवीर को जोर से धक्का दिया और पलटकर देखने लगी। माही ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि जब मन आया पास आ गए और जब मन आया तो दूर हो गए। ये बोलकर माही ने अपने आंसू पोंछे और वहां से भाग गई। रणवीर पहले तो हैरानी से माही को देखता रहा, लेकिन माही के वहां से ऐसे चले जाने पर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने उसे वार्निंग देते हुए तेज आवाज में कहा, रुको, यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। रणवीर की आवाज सुनकर माही के कदम अपने आप ही रुक गए। शायद ऐसा रणवीर के डर से हुआ था, पर माही अभी भी रणवीर की तरफ पीठ करके खड़ी थी। रणवीर ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए।
जैसे ही रणवीर के अपने करीब आने का एहसास माही को हुआ, माही ने अपने कदम वहाँ से जाने के लिए बढ़ा दिए। इससे पहले कि वो आगे जा पाती, उसका पैर साड़ी में फंस गया, लेकिन माही के नीचे गिरने से पहले रणवीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने घबराहट से रणवीर की तरफ पलट कर देखा। रणवीर का फेस एक्सप्रेशनलेस था। उसने झटके से माही को अपनी तरफ खींचा। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। इस बार रणवीर ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। माही को अब अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वो उस डर को अपने फेस पर आने देना नहीं चाहती थी। उसने नम आंखों से रणवीर की आंखों में देखा और उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, जब कोई आपको बिना किसी गलती की सजा देता है तो हिम्मत आ ही जाती है। ये कहने को तो माही कह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी कि अब रणवीर उस पर गुस्सा करेगा। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, फिर उसके चेहरे को अपने सामने किया। अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि माही की बातों ने उसका ध्यान वापस उस फोटो की तरफ खींच लिया था जिसमें उसने माही को किसी और के करीब देखा था। रणवीर के ऐसा करने से माही को बहुत ही दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आने लगे। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तुम्हें तो मैं। इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, उसे किसी ने आवाज दी, रणवीर क्या कर रहे हो ये। रणवीर के पीछे ही अनीता जी खड़ी हुई थी। वो माही को ढूंढते हुए वहां आई थी। अनीता जी की आवाज सुनकर रणवीर की पकड़ ढीली हो गई, तो माही भागकर अनीता जी के पीछे छिप गई और वहां से डरी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर गुस्से से माही को ही घूर रहा था। अनीता जी ने माही के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम पार्किंग एरिया में जाकर वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। माही को रणवीर से बहुत डर लग रहा था, फिर यहाँ तो रणवीर गुस्से से माही को ही घूर रहा था। माही ने जब अनीता जी की बात सुनी तो उसने भी वहां से जाने में देर नहीं की और जल्दी से वहां से चली गई। रणवीर माही को तब तक घूरता रहा जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनीता जी रणवीर के पास आई और उसकी बाह पकड़ कर बोली, ये क्या तरीका था माही के साथ बात करने का। रणवीर जो अभी तक उसी तरफ देख रहा था जहाँ से माही गई थी, वो अनीता जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगा। फिर उसने रूखे स्वर में जवाब दिया, मॉम आप इस सबसे दूर रहो, वो मेरी बीवी है, अगर वो कोई गलती करती है तो उस पर गुस्सा करने का मेरा अधिकार है। क्या गलती है माही की बोलो, क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो उसके साथ, और अगर उसकी कोई गलती भी है तो तब भी तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अनीता जी ने रणवीर को डांटते हुए कहा। अनीता जी की बात सुनकर रणवीर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अनीता जी रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, एक बात ध्यान रखना रणवीर, माही को मैं अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आई हूँ, और कोई भी चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते, समझे। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ कदम बढ़ाने के बाद रुक गई। फिर रणवीर की तरफ बिना मुड़े ही बोली, मैं माही को अपने साथ घर ले जा रही हूँ, और हो सके तो तुम भी जल्दी घर लौट आना। ये कहकर वो वहां से चली गई। रणवीर ने एक नजर जाती हुई अनीता जी को देखा और गुस्से में वापस पार्टी हॉल की तरफ चला गया। कुछ दूरी पर खड़ी समीरा एक कुटिल मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक टैबलेट को देखते हुए कहा, बस 3 दिन और 3 गोली फिर सब खत्म। ये कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगी। रणवीर को एक अलग ही बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसने आते ही ड्रिंक का ग्लास उठाया और उसे एक सांस में ही खाली कर दिया। काउंटर पर खड़े वेटर ने चुपचाप किसी को हाँ में इशारा किया और एक और ड्रिंक का ग्लास रणवीर की तरफ बढ़ा दिया। रणवीर के जहन में अभी भी माही का ही ख्याल था। उसे माही का ऐसे जवाब देना और उससे दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी ख्याल में उसने ड्रिंक का दूसरा ग्लास भी खाली कर दिया। ड्रिंक को पीते ही कुछ वक्त के लिए उसे एक सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे काफी घबराहट भी महसूस हो रही थी। वो उठकर पार्टी हॉल से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया। उसे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ देर के लिए उसने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रोक दी
और गाड़ी से बाहर निकलकर उसने अपना कोट उतारकर गाड़ी की सीट पर फेंक दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। उसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था और जैसे जैसे उसे माही का ख्याल आ रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपना हाथ जोर से बोनट पर मारते हुए कहा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता माही, आज सच तो मैं जान कर ही रहूंगा। ये कहकर वो वापस गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। कपूर सारी हदें पार कैसे बर्दाश्त कर पाएगी माही रणवीर के इस गुस्से को, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सर पॉकेट एफएम पर। रणवीर ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा माही, मॉम के आ जाने से मेरी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब इस रूम में तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। फिर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी क्या गलती? तो सुनो, तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, और तुम्हें पता होगा कि धोखे की मेरे पास कोई माफी नहीं होती, होती है तो सिर्फ सजा, जो आज तुम्हें मैं जरूर दूंगा, ताकि तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि तुम्हारे इस जिस्म और रूह पर सिर्फ मेरा हक है। कोई और मेरा हक छीनने की कोशिश करे तो मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। इतना कहने के साथ ही उसने माही को बेड की तरफ धक्का दे दिया। माही मुंह के बल बेड पर जा गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकली। आह! उसने पलट कर रणवीर की तरफ देखा, जो आज माही को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। माही डर से कांप रही थी। माही बेड पर ही पीछे खिसकने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे पास मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए माही रोने लगी, पर रणवीर पर तो आज जैसे शैतानियत हावी थी। उसे माही के आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे। वो सहमी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। वही रणवीर एक शैतानी स्माइल के साथ अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। फिर उसने शर्ट रिमूव करके फर्श पर फेंक दी। माही किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। माही को रणवीर के जिन बाहों में हमेशा सुकून मिलता था, आज उसे उसी रणवीर से बहुत डर लग रहा था। आज उसे लग रहा था कि जो उसके सामने है वो उसका रणवीर नहीं है, वो कोई और ही है, क्योंकि उसका रणवीर उसे कभी ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। माही बेड के दूसरी तरफ से उतरकर डोर की तरफ भागी, लेकिन रणवीर ने भी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बेड की तरफ धकेल दिया। ऐसे धकेलने से माही के सर पर बेड का कोना लग गया और वहां से हल्का सा खून बहने लगा। दर्द की वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग गया था। इससे पहले कि वो वापस वहां से भाग पाती, रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस कर दिया। गुस्से की वजह से उसे माही की चोट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। माही का छोटा सा चेहरा रोने और दर्द से बिल्कुल लाल हो गया था। वो रोते हुए रणवीर से बोली, क्या हो गया तुम्हें रणवीर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें इतना रोने की क्या बात है? वैसे भी ये सब हमारे बीच पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, इस बार तुम्हें ये सब एक सजा से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। इतना कहने के साथ ही उसने माही के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे काफी वाइल्ड तरीके से किस करने दे सकता है। सुबह के करीब 7 बजे रणवीर की नींद खुली। उसे अपना सिर फटता हुआ महसूस हो रहा था। वो कुछ देर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने अपने आसपास किसी को ढूंढा, तभी उसकी नजर बेड के कोने में सिकुड़ कर सोती हुई माही पर गई। माही किसी डरे हुए खरगोश की तरह अपने आप में ही सिकुड़ कर सो रही थी। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो रात भर रोती रही है। रणवीर ने गौर से माही के चेहरे को देखा। उसके होठों पर कट का निशान था और उसके माथे पर भी चोट का निशान था, जिसका ब्लड सूख चुका था। माही के चेहरे पर अभी भी एक डर कायम था, जिस वजह से उसका छोटा सा मासूम चेहरा मुरझा गया था। माही को ऐसे देखकर रणवीर को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। उसे धीरे धीरे रात की अपनी हैवानियत याद आने लगी।
कि उसने माही के साथ कैसा बिहेव किया था। उसके कानों में माही के दर्द से भरी चीखें गूंजने लगी, जिस वजह से उसका मन बेचैन होने लगा। वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो भी माही के साथ। ये कहते हुए रणवीर माही के सिर को सहलाने लगा। रणवीर के टच से माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने रणवीर को देख उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसने ब्लैंकेट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और झटके से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था, जिसे देख रणवीर को अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। जो माही अक्सर डर कर रणवीर के सीने से लग जाया करती थी, आज वो उसी से इस कदर डर रही थी। रणवीर ने उसके गालों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन माही डर कर पीछे की तरफ खिसकने लगी। इससे पहले कि वो बेड से नीचे गिरती, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर के ऐसे खींचने से माही को ऐसा लगा जैसे कि रणवीर फिर से उसके साथ वही सब करेगा। वो डर से कांप रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसके आंसू बहकर रणवीर के सीने पर गिर रहे थे। रणवीर को भी माही का कांपना साफ महसूस हो रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जहां पहले माही भी रणवीर को हग कर लेती थी, इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसे ही ब्लैंकेट को पकड़े सहमी हुई सी बैठी रही। रणवीर को ऐसे उसे पकड़ने की वजह से माही को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। लेकिन रणवीर ने जैसे ही उस पर अपनी पकड़ मजबूत की, माही कर्रा उठी। आह! माही के कर्राने की आवाज सुनकर रणवीर ने उसे अपने आप से दूर किया और अपनी आंखें छोटी करके माही के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या हुआ? पर माही ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नजर झुकाए हुए ही बैठी रही। रणवीर ने जैसे ही उसका ब्लैंकेट हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने ब्लैंकेट को कसकर अपने आप से चिपका लिया। कुछ वक्त के लिए रणवीर के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन फिर उसने झटके से ब्लैंकेट को खींचकर दूर किया। माही की पूरी बॉडी को देख रणवीर हैरान रह गया। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि उसने कल रात इस नासुक सी लड़की की क्या हालत कर दी थी। माही के पूरे शरीर पर नीले निशान बने हुए थे। कहीं कहीं बाइट करने का निशान इतना गहरा था कि वहां से हल्का ब्लड आने लगा था, जो अब सूख चुका था। माही अभी भी सिर नीचे किए हुए सुबक रही थी। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। माही ने ऐसे रणवीर के सीने से लगे हुए ही धीरे से सिर्फ इतना कहा, मुझे दर्द हो रहा है। ये कहकर वो नम आंखों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर को उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें जिस्म का दर्द ही नहीं, उसके दिल का दर्द भी बयां कर रही थी। रणवीर इतना तो समझ गया था कि उसने कल रात न सिर्फ माही के जिस्म को तकलीफ दी थी, बल्कि उसके दिल को भी चोट पहुंचाई थी, और यही बात रणवीर के अंदर बेचैनी को बढ़ाती जा रही थी। उसने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से कहा, मैं अभी आया। ये कहकर वो बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाथटब के पानी का टेम्परेचर सेट किया और उसमें बॉडी पेन रिलीफ मेडिसिन मिक्स की और बाहर आकर माही को अपनी गोद में उठाकर वापस वॉशरूम में आया। उसने धीरे से माही को बाथटब में बैठा दिया। बाथटब में बैठते ही माही को काफी रिलीफ फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। करीब आधे घंटे बाद रणवीर ने उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया और उसे हॉट शावर के नीचे खड़ा कर दिया। इस वक्त माही और रणवीर दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। इस सब के दौरान माही ने एक भी शब्द रणवीर से नहीं कहा, सिवाय इसके कि मुझे दर्द हो रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसने शावर बंद किया और माही की बॉडी को हल्के हाथों से टॉवल से साफ किया, फिर उसे बाथरोब पहना कर वापस रूम में ले आया और उसे ड्रेसिंग के आगे बैठा दिया। इस दौरान रणवीर ने भी एक बाथरोब पहन लिया था। उसने माही के बालों को ड्रायर से सुखाया और बाथरोब को हटाकर उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया।
फिर उसे एक ढीली ढीली सी लॉन्ग टी शर्ट पहना दी। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने जाकर गेट ओपन किया तो सामने मेड ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लिए खड़ी थी। रणवीर ने बाहर से ही ट्रॉली पकड़ी और डोर बंद करके अंदर आ गया। उसने सारा नाश्ता टेबल पर लगाया और माही का हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास लाया, फिर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। माही अभी भी गुमसुम सी बैठी हुई थी। रणवीर को माही का ऐसे गुमसुम सा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि वो उससे शिकायत करे, लड़े, उस पर गुस्सा करे। रणवीर ने उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाना शुरू किया। माही भी धीरे धीरे एक अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता कर रही थी। उसे नाश्ता कराने के बाद रणवीर ने उसे वापस बेड पर बैठा दिया और एक पेन किलर उसके मुंह में डालकर पानी का गिलास उसके होंठ से लगा दिया। पानी पीने के बाद रणवीर ने उसे वापस लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। इस सब के दौरान माही ने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा था। रणवीर ने एक नजर माही को देखा जो पिलो पर सिर रखकर विंडो की तरफ अपनी खाली नजरों से देख रही थी। रणवीर ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और खुद रेडी होने के लिए क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। रणवीर जब रेडी होकर आया तब तक माही सो चुकी थी। रणवीर ने उसके फॉरहेड पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। क्यों कर रहा है रणवीर माही के साथ ऐसा बिहेव? क्या इतना सब कुछ होने के बाद माही छोड़ देगी रणवीर को? क्या करेंगी अनीता जी जब उन्हें पता चलेगा रणवीर के ऐसे बिहेव के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर का आज का दिन ऑफिस में बहुत ही बिजी रहा, लेकिन बीच बीच में वो फोन करके माही से उसका हालचाल पूछता रहा। माही ने भी उसकी बात का जवाब हाँ या ना में ही दिया। दोपहर के वक्त माही की नींद खुली तो उसने एक नजर पूरे कमरे को देखा। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो रूम में अकेली है। वो धीरे से बेड से उठी और कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। अब उसे अपनी बॉडी पेन में काफी हद तक आराम था। उसने एक गहरी सांस ली और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद चेंज करके वो बाहर आई। इस वक्त उसने फुल स्लीव्स की कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था जिसमें उसकी बॉडी के निशान नजर नहीं आ रहे थे। वो थोड़ा बहुत रेडी होकर रूम से बाहर आ गई। अभी वो रूम से निकले ही थी कि उसे सामने से वेदांत आते हुए नजर आया। वेदांत को देखकर उसने अपना चेहरा झुका लिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। वो इस वक्त सारिका के पास जाना चाहती थी। वेदांत फोन पर किसी से बात करते हुए उसी तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माही पर पड़ी तो उसने फोन डिस्कनेक्ट करके अपने पॉकेट में रखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। इससे पहले कि माही वहां से जा पाती वेदांत ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वेदांत ने कहा, माही एक मिनट रुको। ये सुनकर माही के आगे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए। वेदांत उसके पास आया तो उसने देखा माही अभी भी अपना सिर झुकाए हुए खड़ी है। वेदांत को माही का बिहेवियर कुछ अजीब लगा। वो उसे कुछ परेशान भी लगी। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माही ने सिर झुकाए हुए ही कहा, सब ठीक है। वेदांत गौर से माही को देख रहा था। उसने नॉर्मल तरीके से कहा, पहले मेरी तरफ देखो और फिर जवाब दो। कुछ देर तक तो माही ने अपना सर नहीं उठाया। जब वेदांत ने दोबारा कहा तो माही ने उसकी तरफ देखा। माही के माथे पर लगी हुई चोट को देखकर वेदांत ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? माही ने अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए कहा, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया था तो लग गई। वेदांत माही के हाव भाव को देखकर समझ गया था कि माही झूठ बोल रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेरेस पर लेकर आया और फिर थोड़े सख्त लहजे में पूछा, अब बताओ क्या हुआ है, लेकिन इस बार सच सच बताना। वेदांत की बात सुनकर माही की आंखें नम हो गई। वो अपना सिर झुकाए हुए ही खड़ी रही। वो नहीं चाहती थी कि वेदांत उसकी नम आंखों को देखे। वेदांत ने एक बार फिर कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बता रही हो या मैं आज ही हमारी दोस्ती को खत्म कर दूं? माही ने नम आंखों से वेदांत की तरफ देखा और रुआसी होते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब मुझसे गुस्सा होते जा रहे हैं? ये कहते हुए वो रोने लगी। वेदांत उसे ऐसे रोते देखकर पिघल गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, भला कोई तुमसे गुस्सा हो सकता है? मुझे बताओ, किसने तुम पर गुस्सा किया? क्या रणवीर ने तुम्हें कुछ कहा? रणवीर का नाम सुनकर माही और जोर जोर से रोने लगी।
वेदांत समझ गया कि रणवीर ने ही कुछ किया है। उसने माही को शांत करवाते हुए कहा। क्या कहा रणवीर ने, मुझे बताओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। माही रोते हुए ही अपना सिर ना में हिलाने लगी और बोली, नहीं, आप उनसे कोई बात मत करना, वरना वो फिर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और मेरे साथ जबरदस्ती। ये कहते कहते माही चुप हो गई। रोते हुए अब उसकी हिचकियां बंद हो गई। वेदांत माही की अधूरी बात से ही समझ गया कि रणवीर रोते हुए देखा और वहां से चले गए। माही के जाते ही वेदांत के चेहरे के भाव गुस्से में बदल गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, रणवीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें आज जवाब देना होगा। उसने अपना फोन निकाला और रणवीर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही वेदांत ने अपनी सर्द आवाज में कहा, कहाँ हो, अभी आधे घंटे में होटल हयात के कमरा नंबर 809 में मुझे मिलो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद होटल हयात के रूम नंबर 809 में वेदांत और रुद्र बैठे हुए रणवीर का वेट कर रहे थे। रुद्र के फेस से लग रहा था कि वेदांत ने उसे सब कुछ बता दिया है और इस वक्त रुद्र के चेहरे से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद ही रणवीर रूम का डोर ओपन करके अंदर आया तो दोनों जलती निगाहों से उसे घूरने लगे। रणवीर ने दोनों को ही आंखें छोटी करके देखते हुए पूछा, क्या हुआ, दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मुझे मार ही डालोगे। रुद्र गुस्से में अपनी जगह से उठा और एक पंच रणवीर के मुंह पर मारा, जिस वजह से रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। पंच लगने की वजह से रणवीर के होठों के साइड कट लग गया था, जिसमें से ब्लड आने लगा था। रणवीर ने अपने अंगूठे से अपने ब्लड को साफ किया और फिर गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, कर क्या रहे हो तुम। तो वेदांत गुस्से में उठकर रणवीर के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, पागल तो तुम हो गए हो रणवीर, तुम क्या कर रहे हो माही के साथ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जबरदस्ती करने की। मैं जानता था कि माही जैसी मासूम लड़की को तुम डिजर्व नहीं करते। वेदांत की बात सुनकर पहले तो रणवीर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, ये मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, माही सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, कपूर खानदान की बहू भी है और किसी की बहन भी। तुम माही को अकेले मत समझो, अगर तुम उसके साथ कुछ भी गलत करते हो तो हम सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और क्या कहा तुमने, तुम इस मैटर को खुद हैंडल करोगे। देखा मैंने तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या तुम फिर से उसके साथ जबरदस्ती करोगे या फिर से अपनी शैतानियत उसे दिखाओगे या फिर उसे डराओगे या धमकाओगे, बोलो क्या करोगे तुम। रुद्र की बात सुनकर रणवीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने उन दोनों की तरफ अपनी पीठ कर ली, फिर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने माही के साथ बहुत गलत किया है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मैं क्यों अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत हाइपर हो रहा था, मुझे अपने पूरे शरीर में एक अलग ही बदलाव महसूस हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुस्से में क्या कर जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों भी जानते हो कि मैं माही से कितना प्यार करता हूँ, क्या मैं कभी उसको हर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं कभी उसको इतनी तकलीफ दे सकता हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता चला कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। रणवीर की बात सुनकर वेदांत को थोड़ा डाउट हुआ। वेदांत ने खुद को शांत करते हुए रणवीर से पूछा, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है रणवीर। रणवीर ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए कुछ सोचकर बोला, मेरे साथ ये सब पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, मुझे अलग ही तरह की बेचैनी महसूस होती है, उसके बाद मैं बहुत हाइपर हो जाता हूँ, जरा जरा सी बात पर मेरा गुस्सा भड़क जाता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ। वेदांत ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा। अब रुद्र को भी कुछ डाउट होने लगा था। रुद्र ने कहा, रणवीर मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कहीं ये तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं। रुद्र और वेदांत की बात सुनकर रणवीर एक गहरी सोच में चला गया और फिर बोला, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये बदलाव मुझे भी नॉर्मल नहीं लगता है। वेदांत ने कहा, ठीक है तो मैं कल ही तुम्हारे ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर से बात करता हूँ, लेकिन बेहतर होगा
कि तुम कुछ दिन माही से दूर ही रहो, क्योंकि जब तक हमें इसका सही रीजन पता नहीं चलता है तब तक तुम्हें माही से एक दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना तुम फिर से माही को हर्ट करोगे। वेदांत की बात सुनकर अब रणवीर भी चाहता था कि पहले उसे उसके बदले हुए बिहेवियर का सही रीजन पता चले। पहले ही वो माही को बहुत तकलीफ दे चुका था, अब उसको और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं आज रात इसे होटल में रुकूंगा और कल ही मैं ब्लड टेस्ट कराकर इस सब का रीजन पता करूंगा। तब तक मैं माही की सेफ्टी के लिए उससे दूरी बनाकर रखूंगा। कुछ और बातें डिस्कस करने के बाद रुद्र और वेदांत दोनों ही रूम से बाहर चले गए। रणवीर ने डोर लॉक किया और आकर रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त रणवीर गहरी सोच में था, उसके जहन में सिर्फ माही के ख्याल ही चल रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर माही को अपनी बाहों में भर ले, क्योंकि उसने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। लेकिन वेदांत ने भी सही कहा था कि वो फिर से गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसके लिए उसे कुछ वक्त के लिए माही से दूर ही रहना होगा। रणवीर ने अपने फोन में माही की फोटो देखते हुए कहा, आई एम सॉरी जान, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। रात का वक्त, कपूर मेंशन। समीरा अपने बेड पर पेट के बल लेटी थी और उसके हाथ में एक टैबलेट थी। वो उस टैबलेट को बड़े ही गौर से देख रही थी और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने अपने आप में ही कहा, बस कल का दिन और सब कुछ खत्म, यहाँ तक तो मैं पहुंच गई हूँ, अब इस कहानी को अंजाम भी मैं दूंगी, अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। कल माही का इस घर में आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर मैं बनूंगी मिसेज रणवीर रॉय कपूर। अब रणवीर सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ समीरा का। ये कहने के साथ ही वो बेड पर पीठ के बल लेट गई और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ माही अपने रूम में अकेली अपने बेड पर लेटी हुई थी। भले ही कल रणवीर ने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन फिर भी उसे रणवीर की याद आ रही थी। रणवीर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके माही की आंखें नम हो गई। उसने एक पिलो को हक किया हुआ था और उसके आंसू उस पिलो को भिगो रहे थे। आज उसे एक अलग तरह की घबराहट भी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसका मन रणवीर से बात करने का हो रहा था और वो लेटे हुए बेड साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन को देख रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रणवीर से बात कर सके। ऐसे ही रोते रोते माही की आंख लग गई। वहीं होटल रूम में रणवीर भी बेचैन था, क्योंकि उसका सुकून माही उसके पास नहीं थी। वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए ड्रिंक किए जा रहा था। उसे भी आज एक अलग तरह की घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जाने वाली है। अब उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। वो सोफे पर से उठा और बेड पर पेट के बल लुढ़क गया। उसके होंठ धीरे धीरे से हिले। माही, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा जान। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए उसकी भी आंख लग गई। क्या समीरा अपने इरादों में सफल हो पाएगी? क्या वाकई में माही रणवीर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, या फिर रणवीर पहचान जाएगा इस साजिश को और बचा लेगा अपने और माही के रिश्ते को? जाने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सर पॉकेट एफएम पर। सुबह रणवीर की नींद देर से खुली, वो भी तब जब उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने लेटे हुए ही फोन रिसीव किया और कान पर लगाकर उनींदी आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से वेदांत की आवाज आई, हेलो रणवीर, जल्दी से जागो और रेडी हो जाओ, डॉक्टर कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। रणवीर ने कहा, ओके आई विल बी रेडी, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और बेड से उठ गया। बेड से उठने के बाद उसने एक अंगड़ाई ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद रणवीर शावर लेकर रेडी हो गया। रुद्र ने रणवीर के कपड़े उसके असिस्टेंट के हाथों ही भिजवा दिए थे। कुछ देर में डॉक्टर रणवीर का चेकअप करने उसके रूम में आ गया। उसने अपने साथ आई हुई नर्स को रणवीर का ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा। नर्स ने रणवीर से कहा, सर आप स्लीव्स फोल्ड कर लीजिए ताकि मैं आपका ब्लड सैंपल ले सकूं। रणवीर ने अपने एक हाथ की स्लीव्स फोल्ड की और अपनी बाहें आगे कर दी। नर्स ने रणवीर का ब्लड सैंपल ले लिया। डॉक्टर ने रणवीर के कुछ टेस्ट और किए और खड़े होते हुए कहा, मिस्टर कपूर मैंने आपका चेकअप कर लिया है और आपका ब्लड सैंपल भी ले लिया है, आपकी रिपोर्ट आज शाम तक आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि आपको ये सब परेशानियां क्यों हो रही हैं। वैसे मुझे लगता है कि इतना कहकर डॉक्टर रुक गया तो रणवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या लगता है आपको, साफ साफ कहो। तो
तो डॉक्टर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको ड्रग्स दिए जा रहे हैं। रणवीर ने कंफ्यूजन से पूछा, ड्रग्स? तो डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल जैसे सिम्टम्स आपने बताए हैं उससे यही लग रहा है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स एक खास तरीके के ड्रग्स दिए जाने पर ही नजर आते हैं। इस ड्रग्स को लेते ही आदमी एकदम हाइपर हो जाता है, उसे अपने गुस्से पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता, वो गुस्से में खुद को या फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वैसे तो ये रिपोर्ट आने पर ही कंफर्म होगा, तभी आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चला गया। डॉक्टर के जाते ही रणवीर खुद से बोला, क्या वाकई में मुझे ड्रग्स दिए जा रहे हैं? पर कौन करेगा ऐसा? दोपहर का वक्त, रणवीर अपने कैबिन में बैठे हुए अपने काम में बिजी था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने अपनी फाइल में देखते हुए कहा, कम इन। तभी उसकी सेक्रेटरी डोर ओपन करके उसके कैबिन में आई और उसके लिए लाई हुई ब्लैक कॉफी रणवीर के डेस्क पर रखकर चुपचाप वहां से चली गई। रणवीर ने अपनी कॉफी का कप उठाया और अपने होठों से लगाकर एक सिप लिया। उसे कॉफी का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो कॉफी पीने लगा। रणवीर ने अपनी कॉफी खत्म की ही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने कप टेबल पर रखा और डेस्क पर ही रखा अपना फोन उठाया तो स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर रणवीर की भौंहें सिकुड़ गई। उसने फोन रिसीव किया और अपने कान पर लगाते हुए बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ की बात सुनकर रणवीर की आंखों के भाव खतरनाक हो गए। उसकी पकड़ गुस्से से उसके फोन पर कस गई। उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर कैबिन से बाहर निकल गया। रणवीर रोड पर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसका चेहरा इस वक्त काफी सख्त नजर आ रहा था और उसकी आंखें तो इतनी खतरनाक लग रही थी जैसे आज वो किसी की जान ही ले लेगा। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। रणवीर की गाड़ी एक 5-स्टार होटल के सामने आकर रुकी। रणवीर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और होटल के अंदर चला गया। रणवीर के कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जब होटल के मैनेजर ने रणवीर रॉय कपूर को देखा तो ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रणवीर का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर उसके कदम जहां थे वहीं थम गए। इस वक्त रणवीर की आंखें गुस्से से लाल थी। रणवीर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसे खत्म कर दे, लेकिन उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। इस वक्त उसके दिल के जज्बातों पर उसका गुस्सा हावी हो रहा था। कुछ ही देर में वो लिफ्ट के जरिए 10th फ्लोर पर पहुंच गया। लिफ्ट खोलते ही उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो कॉरिडोर से होते हुए एक रूम के सामने आकर रुका। रूम का नंबर देखकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कसी हुई थी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसने गुस्से से एक जोर की किक दरवाजे पर मारी, जिस वजह से एक जोरदार आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देखकर रणवीर गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। फिर उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। सामने माही किसी और के गले लगी हुई थी। पूरा रूम ऐसे डेकोरेट था जैसे किसी ने रोमांटिक डेट अरेंज की हो। माही के साथ में अंकित था, जिसने माही को अपनी बाहों में भर रखा था। एक नजर देखने से लग रहा था जैसे माही खुद भी अंकित को गले से लगाए खड़ी थी, लेकिन सच ये था कि माही अंकित को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही माही की नजरें रणवीर की गुस्से से लाल आंखों से मिली, उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। वो जल्दी से अंकित से दूर हो गई और रणवीर की तरफ बढ़ गई। माही ने इतना ही कहा, रणवीर वो मैं। पर इससे पहले कि माही रणवीर के पास आती, रणवीर ने अपने कदम अंकित की तरफ बढ़ा दिए। उसने अंकित का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया। रणवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंकित की सांसें उखड़ने लगी। वह रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसने झटके से उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके मुंह पर एक के बाद एक पंच मारने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वो मेरी है, वो सिर्फ रणवीर रॉय कपूर की है। रणवीर अंकित को मारते हुए गुस्से से बोले जा रहा था। रणवीर के इतने पंच मारने की वजह से अंकित का मुंह लहूलुहान हो गया, लेकिन रणवीर ने अभी भी उसे मारना बंद नहीं किया।
सामने का नजारा देखकर माही का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपने दुपट्टे को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और वो अपनी कांपती आवाज में बोली, रणवीर ऐसे मत करो, वो मर जाएगा, प्लीज उसे छोड़ दो। जब माही की आवाज रणवीर के कानों में पड़ी तो उसने गुस्से से जलती हुई नजर माही पर डाली और वो अंकित को छोड़कर खड़ा हो गया और माही की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत फिक्र हो रही है अपने यार की। रणवीर जैसे ही अंकित से थोड़ा दूर हुआ, अंकित मौके का फायदा उठाकर जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। रणवीर ने भागते हुए अंकित को देखा और फिर वापस माही को देखते हुए बोला, ओह तो इस तरह तुमने बचाया है अपने आशिक को, लगता है काफी तकलीफ हो रही थी तुम्हें उसे मार खाते देखकर, है ना? रणवीर ने माही के करीब आकर उसके गालों को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में रणवीर रॉय कपूर है क्या। फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, और रणवीर रॉय कपूर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसने माही का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आया। रणवीर की पकड़ माही के हाथों पर बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से माही के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बार बार अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, रणवीर मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन रणवीर तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखों के आगे तो बार बार वही सीन आ रहा था जब उसने माही को अंकित के करीब देखा था, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रणवीर माही को अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और गाड़ी का डोर ओपन करके उसे अंदर धकेल दिया, फिर दूसरी तरफ आकर अपनी सीट पर बैठा और फुल स्पीड से गाड़ी को भगा ले गया। कुछ दर्द और कुछ डर की वजह से माही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर रणवीर के कानों में तो जैसे माही की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। माही गिड़गिड़ाते हुए बोली, रणवीर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, वो सच नहीं था, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। पर रणवीर उसकी बात बिना सुने गाड़ी स्पीड में ड्राइव करता रहा। कुछ ही देर में उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी। उसने अपनी तरफ का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गया और फिर जल्दी से चलकर वो माही की सीट की तरफ आया और उस तरफ का डोर ओपन करके माही को लगभग खींचते हुए बाहर निकाला। रणवीर ने इतनी जल्दी किया कि माही लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। माही आंसू भरी आंखों से रणवीर की तरफ देख रही थी। उसने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, रणवीर मेरी बात। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर ने उसके कंधे पकड़ लिए और गाड़ी से सटा दिया, फिर अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, क्या सुनूं मैं, हाँ कहा था ना मुझे कभी धोखा मत देना वरना मार दूंगा तुम्हें, और रणवीर रॉय कपूर धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करता, तो अब तुम्हें मरना होगा माही। रणवीर की बात सुनकर माही की डर की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी, अब वो डर से बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो रणवीर से कहना चाहती थी कि रणवीर मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि अब उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। डर की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। माही को ऐसे डरते हुए देखकर भी इस बार रणवीर का दिल नहीं पिघला, उसके होंठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगा। कुछ कदम दूर जाने के बाद उसने अपने पीछे कमर में लगी हुई गन निकाली और माही की तरफ टारगेट करते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक मैं काफी नहीं था ना, तभी तो तुम्हें किसी और की भी जरूरत पड़ी, लेकिन जो चीज मेरी है वो हमेशा मेरी ही रहेगी, और अगर वो पूरी तरह से मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। माही तो जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। जो इंसान हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, आज वही उसे मारना चाहता था। उसकी नजर एक टक रणवीर की आंखों में देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, रणवीर क्या यही था तुम्हारा भरोसा, क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी माही तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, इतनी जल्दी तुम्हारा अपनी माही से भरोसा उठ गया, एक बार तो मुझसे सच पूछते, एक बार तुम मुझसे पूछते, क्या तुम्हारी माही तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकती है, मेरा दिल जानता है
मेरी रूह जानती है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी मर्द हो जिसने मुझे छुआ है, जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंपा है। इतनी आसानी से तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उठ गया। क्यों रणवीर, क्यों क्यों तुमने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया? ये सोचते हुए माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। रणवीर माही की तरफ गन पॉइंट करके उसे नफरत से देख रहा था। उसे माही के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, उसका पहली बार माही से मिलना, माही से शादी, उसके साथ देखे गए कई सारे सपने, सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर भी एक दर्द उभर आया। लेकिन जैसे ही उसे माही का अंकित से होटल रूम में गले लगना याद आया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से सख्त हो गए। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आई। एक साथ 6 गोलियां लगातार चली, जिससे वहाँ का माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। अब वहाँ था तो सिर्फ एक सन्नाटा, सब कुछ खत्म होने का सन्नाटा, जैसे एक तूफान वहां से होकर गुजर गया हो। क्या वाकई में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या यही था माही और रणवीर की लव स्टोरी का अंत, या ये अंत एक नई शुरुआत लेकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शाम और भी गहरी होती जा रही थी, वहां का माहौल सुनसान था और हल्का अंधेरा भी होने लगा था, इसलिए वो जगह और भी डरावनी होती जा रही थी। जमीन पर माही बेसुध सी बैठी हुई थी, उसने अपना सर झुका रखा था और वो एक टक जमीन को देखे जा रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे और उसके चेहरे पर एक खामोशी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो काफी वक्त से यहाँ अकेली बैठी हुई है। उसने अपनी खाली नजरों को उठाकर अपने आसपास देखा, तभी उसने अपने आप को वहाँ बिल्कुल अकेला पाया। और जब वहाँ का डरावना माहौल देखा तो वो डर कर अपने आप में ही सिमटने लगी। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपने सिर को अपने घुटने के ऊपर टिका लिया, फिर अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर रणवीर? मुझे पता है तुम मुझे लेने आओगे, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले जाओ। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, फिर तुम क्यों चले गए? माही सहमी हुई सी खुद से ही बातें किए जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ से उठी और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे ना तो वहाँ के रास्ते समझ आ रहे थे और ना ही वहाँ की दिशा का कोई ज्ञान हो रहा था। वो तो बस चलती जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। तुमने अपना वादा तोड़ दिया रणवीर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं, चली जाऊंगी तुमसे बहुत दूर। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, पर मैं तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ऐसे ही माही चलते हुए हाईवे पर आ गई। वो अभी भी चलती जा रही थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो मेंटली बहुत टूट चुकी थी। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेसुध सी होकर वहीं सड़क के किनारे गिर गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक महिला बाहर आई। वो महिला उसके गालों पर थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद माही की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और उसने अपने होश खो दिए। सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के एक रूम में माही एक बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर रूम की सीलिंग पर गई। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। वो अपने सिर पर हाथ रख कर बैठते हुए बोली, आह। इसी के साथ उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त एक हॉस्पिटल के रूम में एडमिट है। उसे वहाँ चेयर पर एक नर्स बैठी हुई नजर आई। जब नर्स ने देखा कि माही को होश आ गया है तो वो उठकर उसके पास आई और उससे पूछा, आप ठीक है ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? माही ने उसके सवाल को इग्नोर करके पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया?
नर्स कोई जवाब देती उससे पहले ही एक औरत अंदर आई और माही के पास आकर उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा अब आप ठीक हो ना? मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, तुम मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली थी। माही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपका घर कहाँ है? आप मुझे अपने घर का नंबर दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप यहाँ पर हैं, वरना वो सब परेशान हो जाएंगे। अपने घर का सुनकर माही को रणवीर की याद आ गई। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। फिर उसने कुछ सोचकर उस महिला से कहा, आंटी क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मुझे किसी को फोन करना है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो मेरा फोन, तुम बात कर लो, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? माही ने उस औरत के हाथ से फोन लिया और वेदांत का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद ही वेदांत ने फोन उठा लिया। पहले तो वेदांत अननोन नंबर से नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसने माही की आवाज सुनी तो एकदम से कंफ्यूजन के साथ पूछा, माही तुम किसके फोन से बात कर रही हो और कहाँ हो तुम इस वक्त? माही ने नर्स से पूछकर उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताते हुए कहा, वेदांत तुम किसी को कुछ मत बताना और मुझे यहाँ आकर मिलो। माही की बात सुनकर वेदांत ने कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में वेदांत सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर माही के रूम का नंबर पता किया और उस तरफ चला गया। वेदांत जैसे ही रूम में आया, माही वहां उसे बेसुध हालत में अपने बेड पर बैठी हुई दिखी। माही की हालत देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो जल्दी से माही के पास आया। माही क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस हालत में यहाँ? माही ने अपनी नजरें उठाकर वेदांत को देखा तो जैसे अब तक जो दर्द उसने अपने सीने में छुपा रखा था एकदम से आंसू के जरिए बाहर आ गया। वेदांत को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बोली, वेदांत रणवीर ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे झूठ बोला था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, वो अब मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। रोते हुए माही की हिचकियां बंद गई। माही की ऐसी हालत वेदांत से देखी नहीं जा रही थी। उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा, माही पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। ये कहते हुए वेदांत उसके पास बैठ गया। माही ने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया और रोते हुए बोली, मुझे आगे बताओ और क्या हुआ। वेदांत की बात सुनकर माही ने रोते हुए ही आगे की सारी कहानी वेदांत को बता दी। वेदांत इतना तो समझ गया था कि एक बहुत बड़ी साजिश माही और रणवीर के साथ की जा रही है। उसने माही को शांत कराते हुए कहा, माही मैं रणवीर को अभी बुलाता हूँ, ये सब तुम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, एक बार रणवीर से भी बात करना जरूरी है। रणवीर का नाम सुनकर माही ने डरते हुए कहा, नहीं वेदांत नहीं, तुम रणवीर को नहीं बुलाओगे, मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, मुझे उनसे बहुत दूर जाना है, मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती, मैं कभी उनके साथ नहीं जाऊंगी, कभी उनके पास नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, वो मुझे बहुत ही गिरी हुई समझते हैं, मैं अब कभी भी उनके पास नहीं जाऊंगी वेदांत, अगर तुमने उन्हें बुलाया तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर बेड से उतरते हुए बोली, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। इस वक्त माही बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। वेदांत ने उसे पकड़ा और नर्स को आवाज दी। फिर वेदांत ने उसे पकड़कर वापस बेड पर बैठा दिया और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, माही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जब तक तुम नहीं कहोगी मैं रणवीर को नहीं बुलाऊंगा, पर प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना यहाँ पर। माही अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। माही की ऐसी हालत देखकर वेदांत की भी आंखें नम होने लगी। उसे कभी नहीं सोचा था कि वो माही को कभी ऐसी हालत में भी देखेगा। एक मासूम सी लड़की जो उसके सामने मुस्कुराती रहती थी, जिसकी मासूमियत हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान ले आती थी, वो आज कितनी टूटी हुई नजर आ रही थी। और इस हालत का जिम्मेदार उसका प्यार था, वो इंसान जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। नर्स ने जल्दी से माही की बाह में एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही माही शांत होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। इसके बाद नर्स ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ रुकती हूँ, आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और एक नजर माही को देखा। माही का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था।
आंसुओं की लकीरें अभी भी उसके आंखों के कोने से बह रही थी। उसने माही के सिर पर हाथ फेरा और वहां से बाहर चला गया। रूम से बाहर निकलते ही उसे वही औरत मिली जो माही को यहाँ लेकर आई थी। उसने वेदांत से पूछा, क्या आप ही हैं उस लड़की के साथ में? वेदांत ने कहा, हाँ मैं उनके साथ ही हूँ। ये सुनकर उस औरत ने कहा, फिर आप उसका ध्यान रखना, वो बच्ची मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और अभी उसे किसी अपने के साथ की बहुत जरूरत है। वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उस औरत को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक्स आंटी, आप माही को यहाँ लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इंसानियत के नाते ये तो मुझे करना ही था। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। वेदांत के कदम डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में वेदांत डॉक्टर के कैबिन में मौजूद था और डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर एक रिपोर्ट को बहुत ही गौर से देख रही थी। ये माही की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट डेस्क पर रखी और वेदांत से कहा, देखिए मिस्टर राठौर, पेशेंट की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है। माही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वेदांत हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, व्हाट, माही प्रेग्नेंट है? क्या माही की प्रेगनेंसी की बात रणवीर को पता चलेगी? क्या वेदांत दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कर पाएगा? क्या माही कभी वापस रणवीर के पास जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।